लखीमपुर उत्तर प्रदेश में है किसान हत्याकांड में लिप्त भाजपा नेता गृह राज्य मंत्री के पुत्र के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वही भाजपा नेता गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पार्श्वनी में सोमवार को किसान मोर्चा निकालते हुए महाराष्ट्र बंद का समर्थन किया गया। शहर के किसान तथा ग्रामीण क्षेत्र के किसान महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश लखीमपुर में हुए हत्याकांड के शामिल दोषियों को सजा दी जाए, वहीं केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री मिश्रा को तुरंत अपने पद से हटाया जाए, इस मांग को लेकर आंदोलन किया गया, जिसमें भारी संख्या में इस हत्याकांड को लेकर केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग किसानों द्वारा की गई। तानाशाही सरकार आम जनता को कुचलने और किसानों को बर्बाद करने में लगी है। शांतिपूर्ण हो रहे किसान आंदोलन को दबाने में केंद्र सरकार जानलेवा हमला कर किसानों को जिंदा कुचलने की कोशिश कर रही है। किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार काम कर रही है, इस तरह के आरोप आंदोलनकारी महाविकास अघाड़ी के नेता द्वारा किए गए। महंगाई के खिलाफ भी केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्शाया गया, जहां भारी संख्या में इस आंदोलन में किसान नेता के साथ आम जनता ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लेते हुए समर्थन दिया। शहर में महाविकास अघाड़ी की ओर से पैदल मार्च निकालते हुए शहर में भ्रमण कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध किया गया। वहीं तहसील कार्यालय में तहसीलदार को इस घटना के खिलाफ महाविकास अघाड़ी और किसान नेताओं की ओर से ज्ञापन देकर हत्याकांड में शामिल भाजपा नेता पुत्र पर कानूनी कार्रवाई कर सजा देने की मांग जोर शोर से आंदोलनकारियों ने की। आंदोलन को देखते हुए पार्श्वनी पुलिस निरीक्षक हृदय नारायण यादव ने तगड़ा पुलिस बंदोबस्त किया था। आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। इस आंदोलन में कांग्रेस तालुका अध्यक्ष दयाराम भोयर, जिला परिषद सदस्य अर्चना भोयर, जिला परिषद सदस्य राजू कुसुम्बे, सभापति अशोक चिकले, श्रीहरि भट्ट, उपसभापति चेतन देशमुख, पंचायत सभापति मीना कावे, पंचायत समिति महिला सदस्य, राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष सचिन आमले, ज्येष्ठ नेता श्रीधर झाड़े, किशोर मिरे, कांग्रेस युवा नेता आशीष भड़, अजहर पठान, दीपक भोयर, सरपंच हेमराज तरनी, उप सरपंच लांजीवार, दीपक वर्मा, सरपंच प्रदीप दिएवार, निकेश भोयर समेत अन्य लोग उपस्थित थे। महत्व नाही कळत आहे अशी त्यांनी तानाशाही हिटलरशाही इंग्रजांपेक्षाही निकृष्ट दर्जाचं काम त्यांचं आहे आणि त्यांचं ह्या सर्व आज आम्ही इथे सर्व शेतकरी आहोत आज आहे याच्या आचार जर असंच मोदी साहेब तुमचं चालत राहणार तर आम्ही चार नाही आम्ही 100% पूर्ण शेतकरी येऊन आम्ही तुमचं पूर्णाचा निषेध करू आणि सगळ्यांना मी हे सांगू शकते की आपण सर्वजण शेतकरी हा सर्वांनी याच्यामध्ये सामोर आलेलं पाहिजे इतकेच लोक नाही तर याच्यापेक्षा जास्त आणि जे काळे कायदे तर शेतकऱ्यांना मान्य नाही तर तुम्ही जनतेपासून तुम्ही हा मोदी सरकार जनता तुमच्यापासून नाही हे जितकेच मी सांगू इच्छिते। पार्श्वनी येथे आज सोमवारी महाविकास आघाडीतर्फे मोदी सरकारचा विरोध करण्यासाठी इथे शेतकरी आणि इतर पक्ष इथे जमा झालेले होते। त्यांच्या ही मागणी होती की मोदी सरकारने चालवलेले हे जे देशामध्ये आत्महत्या किंवा हत्या करून घेणे शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न करणे शेतकऱ्यांचे छळ करणे या प्रकारे हा सण चालला होता त्यामुळे शेतकरी पुरते चिड उठलेला आहे त्याच्या मागण्या पूर्ण होत नाही आणि त्यांना पायदळी आणि त्यांना मारलं जात आहे याच्या निषेध करण्यासाठी पार्श्वनी शेतकरी व महाविकास आघाडी एकत्रित येऊन या शासनाचा निषेध करण्यासाठी आज तहसील कार्यालयावर निवेदन दिलं आणि निवेदन देऊन भारतीय जनता पार्टी आणि केंद्र सरकारचा निषेध केला। मी रुपेश कंडारे, बी सी एन न्यूज, पार्श्वनी।